Hello everyone, I Dr. Jyoti Chaudhary welcome you all to the online platform of Vedanta Academy. As we all know that कि हमने एक NCERT series शुरू की है और आज हम 9th class के last chapter पर पहुंच गए हैं. तो आज हम पढ़ेंगे last chapter के बारे में और जिस chapter का नाम है clothing the social history या social history, मतलब कि पहनावा पहनावा पहनावे की जो social history है, उसका जो इतिहास है, उसका सामाजिक इतिहास है, वो किस तरह से है, वो किस तरह से है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भी चीजें आज के टाइम पर हैं, उसका कोई ना कोई इतिहास रहा है, उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है. तो जो कपड़े आज हम पहनते हैं, उनका भी कोई ना कोई इतिहास रहा होगा. हम अपने जो हम कपड़े जनरली जो घर में पहने जाते हैं या हम शादियों में पहनते हैं, जैसे कि कुछ कपड़ों को नाम दे दिया जाता है वेस्टर्न क्लोथ्स है, कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, कुछ आपके आप बोलते हो इंडियन है, तो ये किस तरह से जो कपड़ों के जो इतिहास रहा है वो किस तरीके का रहा है, कैसे शुरुआत हुई है, कैसे फिर आगे चलकर इन सब चीजों पर काम हुआ है, कैसे कोई रूल्स होते थे पहले या कि पहले किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम मोटा मोटा सा पढ़ेंगे. वैसे इस चैप्टर को आप अगर देखें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है कि ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो थोड़ा कम आता है, बट इसका इतिहास क्या है उसकी समझ हमें होना आवश्यक है और इसीलिए हम इस चैप्टर को यहाँ पर अच्छे से कवर करा रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट इज इजी टू फॉरगेट दैट देयर इज अ हिस्ट्री टू द क्लोथ्स वी वियर. ठीक है, ऑल सोसाइटीज ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, सम ऑफ देम क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट द वे इन विच मैन वुमेन चिल्ड्रन शुड ड्रेस और हाउ दे ड्रेस. तो ये सब चीजें जो होती हैं कि मेन को क्या पहनना है, वुमेन को क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनना है, किस सोसाइटी वालों को क्या पहनना है, अगर वो लोग सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको क्या पहनना है, अपर कास्ट को क्या पहनना है, रिलीजन वाइज कि अगर ये इस धर्म का है तो इसको क्या पहनना है और इस धर्म का है तो इसको क्या पहनना है, उन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. और फिर टाइम के साथ साथ कैसे इन चीजों में चेंज आते गए, कैसे ये चीजें बदलती गई, कैसे कैसे अलग अलग मटेरियल से कपड़े बनते गए और किस तरह से फिर यहाँ पर चेंज स्टार्ट हुआ. क्योंकि कॉलोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है, तो क्या उसका असर कुछ पहनावे पर भी पड़ा है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सम्पचुरी लॉज एंड सोशल हायरार्की. अब ये सम्पचुरी जो आपके सम्पचुरी लॉज होते थे वो कैसे लॉज होते थे उनके बारे में बात करेंगे. वो आपके पहनावे से रिलेटेड लॉज होते थे और उनको फॉलो किया जाता था, उनको फॉलो किया जाता था. तो किस तरह के लॉज होते थे, जैसे कि हम देखें अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, तो अगर हम फ्रांस के लोगों की बात करें तो 1294 से 1789 तक उनको एक लॉ फॉलो करने होते थे, सम्पचुरी लॉज. सम्पचुरी लॉज वो किस चीज से रिलेटेड थे, उससे क्या होता था कि टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दोज कंसीडर्ड सोशल इंफीरियर, जिनको इंफीरियर कमजोर फील किया जाता था, निचला दबा हुआ फील किया जाता था, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वेयरिंग सर्टेन क्लोथ्स. उनके लिए कुछ लिमिट्स थी कि उनको कुछ क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, उनको प्रिवेंट कर दें कि सर्टेन क्लोथ्स जो है, कुछ प्रकार के क्लोथ्स हैं वो उन सब लोगों के लिए नहीं थे, उन सब लोगों के लिए नहीं थे. उसके बाद अगर हम बात करें उनको हंटिंग भी, कुछ जगह पर हंटिंग नहीं करनी है, कुछ आपको जैसे कुछ ड्रिंक है जैसे कि अल्कोहल, उनको पीना अलाउड नहीं था, कुछ कपड़े उनको पहनने अलाउड नहीं थे, तो इस तरह के कुछ सर्टेन चीजें हुआ करती थी जो उन लोगों के लिए अलाउड नहीं था करना. उसके बाद अगर हम मिडाइवल फ्रेंड्स की बात करें तो उसमें अगर हम कहें कि द आइटम्स ऑफ क्लोदिंग अ पर्सन कुड परचेज पर ईयर वॉज रेगुलेटेड नॉट ओनली बाय इनकम बट ऑल्सो बाय सोशल रैंक. उनके सोशल रैंक से भी उनके पहनावे का पता चलता था. द मटेरियल जो यूज होता था उसको भी उसमें प्रेस्क्राइब किया गया था. ओनली रॉयल्टी कुड वियर एक्सपेंसिव मटीरियल लाइक आपका अरमाइन होस में, ये भी फर की ही क्वालिटी होती है, एक उसकी एक हम बोल सकते हैं कि उसकी वेराइटी होती है. फर, सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेट, तो ये सब चीजें क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होती थी कि इन सब चीजों को, जैसे में फर आ गया, सिल्क आ गया, आपका ब्रोकेट की जो बात करते हैं वो आ गया, इन सब चीजों को सिर्फ रॉयल्टी पहनती थी, जो रॉयल पर्सन थे, रॉयल पर्सन यूज टू वियर दीज क्लोथ्स. ओके, तो जो आपके शाही परिवार से बिलोंग करते थे वही इन सब चीजों से, इन मटेरियल से बने हुए कपड़े पहनते थे, अदरवाइज कोई नहीं पहनेगा. और इसके बकायदा रूल्स होते थे. आज के टाइम पर ये नहीं है,
लेकिन किसी ने तो शुरुआत की होगी ना इन रूल्स के खिलाफ जाने की, तो हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फिर बदलाव आता गया. ओके, क्लासेस, अदर क्लासेस डिबेयर देमसेल्व्स विद मटेरियल्स दैट वर एसोसिएटेड विद द एरिस्टोक्रेसी. उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन डिस्टिंक्शंस का एंड होना शुरू हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्योंकि इक्वालिटी की बात आती है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन चीजों का जो है वो कम होता गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले वो लोग नी ब्रिजेस पहनते थे, वहाँ के जो नोबल लोग होते थे, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, वो नी ब्रिजेस बहुत टाइट होते थे नीज तक पहनने के लिए, उन्होंने अपने लिए ढीले ढाले कपड़े बनाने शुरू कर दिए कि हमें भाई कंफर्टेबल क्लोथिंग चाहिए. आप अगर पहले की यूरोप की या उस टाइम के आसपास की बात करो तो इतने ज़्यादा रूल्स होते थे पहनने के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि उसमें वो बहुत अनकंफर्टेबल क्लोथ्स होते थे, दे वर वेरी टाइट, उनमें लेसेस होते थे, उसको बांध दिया जाता था जिससे कि आपका जो वजन है वो ना बढ़े. तो एक रूल, अलग तरीके के रूल होते थे उसमें अनकंफर्टेबल जो लोग होते थे. लेकिन जब इक्वालिटी के लोगों ने बात की तो उन्होंने पहनावे को भी अपनी तरह से मोल्ड करना शुरू कर दिया. उसके बाद द सिंप्लिसिटी ऑफ क्लोथिंग वॉज मेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ये कैप होती थी, कुछ जो ओढ़ते थे एक तरफ को ओढ़ते थे, ये भी लोगों के लिए जो नॉर्मल पीपल थे उनके लिए अलाउड नहीं था. अरमाइन इज अ टाइप ऑफ फर. इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसने क्या क्या पहना हुआ है. जैसे कि वुमेन ऑफ मिडिल क्लास, वुमेन ऑफ मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, वो इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं. फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आपके जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने ढीले ढाले पजामे पहने हुए हैं. अगर हम बात करें रॉयल्टी की, आपकी जो लोग होते थे वो देखो आप कैसे गाउन में खड़ी है प्रिंसेस बन के, और इन्होंने सबका बेड़ा गर्क कर रखा था कि हम सुंदर दिखने चाहिए और औरों से कोई मतलब नहीं है. तो ये चीज वहां पर धीरे धीरे खत्म होने लगी थी. फिर उसके बाद ये आपकी जो जिन लोगों ने नी ब्रिजेस पहनने से मना कर दिया था, सैंट क्लोटोन्स फैमिली, वो इस तरह की होती थी. अब बात करते हैं कि अब हमने देखा कि वो लॉज होते थे, सेंचुरी लॉज के बारे में पढ़ा कि लॉज होते थे, प्रॉपर लॉज होते थे जिनको फॉलो करना पड़ता था. दूसरी चीज की क्लोथिंग एंड नोशन ऑफ ब्यूटी, कि उसको ब्यूटी से कंपेयर किया जाता था, जो आपके क्लोथ्स हैं उनसे ब्यूटी का कंपैरिजन कैसे होता था. देखो, नॉट एवरीवन इन यूरोप वियर सेम ड्रेस. फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन चीजों के बारे में बात हुआ और धीरे धीरे खत्म होने लगा. अब जो है ये चीजें तो खत्म हो गई कि चलो ठीक है नहीं पहन सकते, बट व्हाट अबाउट इनकम. अब ये चीजें इतनी महंगी होती थी कि आपकी इनइक्वालिटी तो ऑफकोर्स रहेगी, इनइक्वालिटी तो ऑफकोर्स रहेगी. ना तो जो गरीब है, ना तो वो खाना खा सकता है जैसे अमीर खाता है, ना ही वो कपड़े पहन सकता है. ठीक है, बट लॉज नो लॉन्गर बेयर पीपल्स राइट टू ड्रेस इन द वे दे विश. बट नाउ व्हाट द रिच एंड पुअर कुड वियर, बट डिफरेंट क्लासेस ने अपना अलग कल्चर बना लिया. ना ही तो द पुअर कुड नॉट ड्रेस लाइक द रिच और नॉट ईट द सेम फूड. वैसे तो उनमें डिफरेंस है ना अभी भी, ऐसा तो नहीं कि डिफरेंस ही दूर हो गया है. स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग ऑल्सो एम्फेसाइज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. अगर हम वुमेन की बात करें विक्टोरियन इंग्लैंड में, तो उनको ग्रूम कैसे किया जाता था कि उनको बहुत ज्यादा ना शांत, सौम्य स्वभाव, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, इस तरह से बनना चाहिए. अगर हम यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, आजकल हम बोलते हैं ना बड़े वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, तो देखिए उन लोगों की मानसिकता तो बहुत नीचे थी. अगर हम भारत के लोगों की मानसिकता के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम उस टाइम के यूरोप की बात करें, तो हम लोग तो उनसे काफी बेहतर थे. तो इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाता था औरतों को वहां पर, कि आपको मतलब कि बहुत ज्यादा सौम्य, सरल, ओबीडियंट रहना है. उनको समझा जाता था कि इनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, और ये मतलब कमजोर, एक तरह से उनको बिल्कुल कमजोर वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता था. वहीं पर जो मेन होते थे उनको एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता था. तो ये सब चीजें कैसे कपड़ों में भी झलकती थी उनके. कैसे जो गर्ल्स है उनको बचपन से ही क्या किया जाता था, बट टाइटली लेस्ड अप एंड ड्रेस्ड अप लाइक इन स्टेज, एंड द एफर्ट वाज टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज, कंटेन देम विद इन स्मॉल मोल्ड्स. एंड व्हेन स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स हैड टू वियर टाइट फिटिंग कॉर्सेट्स, कि उनको पहले बचपन से ही उनको लेसेस में बांधा जाता था, कि जिससे जो उनकी कमर जो है वो मोटी ना हो, उसमें वो सुंदर लगेगी, स्लिम ट्रिम एकदम, यू नो. तो उस तरह से उनको पहले से ही, बचपन से ही उनको इन टाइट कपड़ों में बांध दिया जाता था.
उनको लगता था कि टाइटली लेस्ड स्मॉल वेस्टेड वुमेन वर एडमायर्ड एज अट्रैक्टिव एलिगेंट एंड ग्रेसफुल क्लोथिंग दस प्लेड अ पार्ट इन क्रिएटिंग द इमेज ऑफ फ्रेल सबमिसिव विक्टोरियन वुमेन तो उनको लगता था कि जो ब्यूटी है उसको यहाँ पर उन्होंने कपड़ों से ही मतलब बांध दिया है हाउ डिड वुमेन रिएक्ट टू दीज नॉर्म्स अब वुमेन इस चीज पर कैसे रिएक्ट करती थी भाई अल्टीमेटली पहनना तो उन्हीं लोगों को है तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते थे अब आप देखते हो कि जो औरतें होती हैं घर में अगर बेटी को सिखा रही है माँ सिखा रही है शी इज ऑल्सो अ वुमेन ना तो जब माँ बेटी को सिखाएगी तो बेटी तो सीखेगी ना तो इसलिए जब औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी तो फिर क्यों रिएक्ट करेगी आप कहीं पर भी जाकर देख लो क्या करते हैं एक दूसरे को ये नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि जो हम बोलते हैं कि मैन जो है वो वुमेन के खिलाफ है या उनके रूल्स नहीं बनाए जाते सोसाइटी में तो वुमेन भी वुमेन की दुश्मन बन के बैठी है अगर हम बात कर ले चाहे वो आप पर्दा प्रथा की बात कर लीजिए आप घरेलू हिंसा की बात कर लीजिए दहेज प्रथा की बात कर लीजिए तो वो क्या औरत नहीं है जो औरत के खिलाफ जुल्म करती है तो ऐसे ही क्या होता था कि जो टॉर्चर था ये पहनावा था पेन था इनको बहुत नॉर्मल वे में समझाया जाता था और यही उनको शिक्षा दी जाती थी तो उनको बहुत नॉर्मल लगता था तो वो नॉर्मल लगता था बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कुछ लोगों ने लेकिन कुछ लोग तो होंगे ना जैसे आपकी जो सफरेज मूवमेंट वाली थी जिन्होंने अपने वोट के लिए अपना जो है काम किया था उन्होंने इस चीज के खिलाफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि हमें ड्रेस रिफॉर्म चाहिए अब हमें इस तरह से नहीं रहना है इस तरह से टाइट कपड़ों में नहीं रहना है तो उससे क्या है मसल्स रिमेन अंडर डेवलप्ड कि उससे क्या है कि मसल्स जो है वो अंडर डेवलप रह जाती है एंड द स्पाइंस गोट बेंट और जो स्पाइन है वो बेंट हो जाती है और डॉक्टर्स ने भी बताया था कि वो जो एक्यूट वीकनेस फील लैंग्वेज एंड फेंटेड फ्रीक्वेंटली ये सब इसी वजह से होता था बेहोश हो जाती थी और अंडर डेवलप उनकी जो मसल्स है वो रह जाती थी वीक स्पाइन होने लगी थी तो वो सब चीज़ें क्या हो रही थी उन टाइट कपड़ों की वजह से ही हो रही थी जो वहाँ पर पहने जाते थे अब अमेरिका की अब यूरोप की बात कर रहे थे अब अमेरिका की बात कर लीजिए अमेरिका में क्या था कि लंबे लंबे स्कर्ट्स फ्रॉक्स ये सब पहने जाते थे लॉन्ग स्कर्ट्स स्वेप्ट द ग्राउंड्स एंड कलेक्टेड फिल्थ एंड डॉट दिस कॉज्ड इंजरीज अब वो जो लंबे लंबे घाघरा पहनकर वो चलते थे तो उससे क्या होता था कि उससे डर्ट भी आती थी वो सब चीजें उनके वो तो बीमारी भी फैलती है जब डर्ट आएगी साथ में तो दे हैम्पर्ड मूवमेंट एंड प्रिवेंटेड वुमेन फ्रॉम वर्किंग एंड अर्निंग रिफॉर्म ऑफ द ड्रेस इट वाज सेड वुड चेंज द पोजीशन ऑफ वुमेन अगर उनके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल किए जाएं उनमें उनको वो कंफर्ट फील करें उसे पहनने में तो वो काम भी कर पाएंगे अच्छे से तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनके कपड़े जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए कन्वीनियंट होने चाहिए देन वुमेन कुड वर्क And they are living and become independent. तभी जो औरत है वो independent बन सकती है. In the 1870s, the National Women's Suffrage Association, headed by Mrs. Stanton, and the American Women's Suffrage Association, dominated by Lucy Stone, both campaigned for dress reform. और उन्होंने dress reform के लिए campaign किया. The argument was, argument क्या था? Simplify कर दो, short कर दो, और ये corset जो पहनते थे अंदर tight, वो उसको अबेंडन कर दो मतलब उसको खत्म कर दो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ अटलांटिक देयर वाज नाउ अ मूवमेंट फॉर रेशनल ड्रेस रिफॉर्म तो अब क्या चल पड़ी थी ड्रेस रिफॉर्म के लिए मूवमेंट की जाने लगी थी औरतों के द्वारा और इनको एकदम से तो सक्सेस नहीं मिली क्योंकि कंजर्वेटिव एवरीवेयर अपोज चेंज अब जो कंजर्वेटिव लोग है ना जो कंजर्वेटिव लोगों की यहाँ पर बात होती है तो ये हर जगह पर अपोज करते हैं चेंज का कंजर्वेटिव ठीक है ये क्या करते हैं कि इनको लगता है कि समाज में जो चेंज हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है ठीक है तो ये हमेशा अपोज करते हैं तो इसलिए जब वो वुमेन जो होती थी वो करती थी अपना जो मूवमेंट चलाती थी कैंपेन करती थी ये लोग इस चीज पर पूरे हो जाते थे कि नहीं ये नहीं करना है अगर ऐसे हो जाएगा तो ट्रेडिशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी तुम सुंदर नहीं लगोगी ग्रेस चला जाएगा और फिर अटैक्स वगैरह भी उन पर किए जाते थे बट बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हाउएवर द चेंज वाज क्लियरली इन द एयर और जो चेंज था वो होने लगा था आइडियल्स ऑफ ब्यूटी एंड स्टाइल्स वर बोथ ट्रांसफॉर्म्ड अंडर अ वैरायटी ऑफ प्रेशर्स अब उस ब्यूटी और स्टाइल की चीजों को देखा जाने लगा था दूसरे तरीके से पीपल बिगिन एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ रिफॉर्मर्स दे अर्लियर हैड रिडिक्यूल्ड विद न्यू टाइम्स केम न्यू वैल्यूज
और ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप नए टाइम के साथ नई वैल्यूज को अडेप्ट करना सीख लीजिए, उनके साथ रहना सीख लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। जितना भी आप कंजर्वेटिव हो जाओगे ना, उतना ही आपको दिक्कत होगी कि हल्का सा भी चेंज आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, उसके लिए हमें खुद को उसी में ढाल लेना चाहिए। एक चीज को पकड़ कर बैठ जाना नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं चलता है। अगर कुछ चीजें आ रही है, टाइम बढ़ रहा है, नया टाइम आ रहा है, तो खुद को भी उसमें ढालना होगा अगर हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहते हैं। तो न्यू टाइम्स, नए टाइम में क्या हो रहा था, नए टाइम में नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नया टाइम है, नई टेक्नोलॉजी है, नया काम है, नया मटेरियल आ रहा है, क्योंकि अब कॉलोनाइजेशन की भी बात होती है, तो फिर जैसे कॉटन मिल गया, इस तरह का कपड़ा, पहले सिल्क और फर की बात हो रही है, अब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। कैसे, जैसे कि बिफोर द 17th सेंचुरी मोस्ट ऑर्डिनरी वुमेन इन ब्रिटेन पोजेस्ड वेरी फ्यू क्लॉथ्स, उनमें मतलब बहुत कम क्लॉथ्स होते थे जो फ्लैक्स, लिनन, वूल के बने होते थे, एंड विच वर डिफिकल्ट टू क्लीन। आफ्टर 1600 ट्रेड विद इंडिया ब्रॉट चीप, ब्यूटिफुल एंड ईजी टू मेंटेन इंडियन छिंट, जिनको बोलते हैं छींट के कपड़े, ठीक है, नॉर्मली भी आप घरों में सुनते हैं छींट वाले कपड़े, तो वो चलने शुरू हो गए थे और वो इजी टू मेंटेन थे, सुंदर भी होते थे। तो उससे क्या हुआ कि उससे अब उनके जो वार्डरोब्स हैं वो भरना शुरू हो गया। तो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन बिगेन द मास मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच इज एक्सपोर्टेड टू द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, कॉटन क्लॉथ्स जो है अब वो मोर एक्सेसिबल टू द वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल, अब उनको इस तरह के कपड़े मिलने लगे, वो चीप भी होते थे, इजी टू आपके जो वॉश होते थे और मेंटेन करने के लिए भी इजी होता था। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन चीजों को लिया जाने लगा, क्लोथ जो है वो लाइटर बनते चले गए और सिंपल बनते चले गए। अब देखो, जैसे पहले वो यहाँ तक स्कर्ट पूरा फ्रॉक बनाते थे, अब वो स्कर्ट यहाँ तक पहुंच गई, अब वो धूल नहीं लपेट कर चलती थी। Yet until 1914 clothes were ankle length, उनको ankle तक कर दिया गया, as they had been since the 13th century. By 1915, however, the hemline of the skirt rose dramatically to mid calf, और फिर वो धीरे धीरे और कम होती चली गई। The war, अब war से क्या फर्क पड़ा, अभी तो नया material हमने पढ़ लिया, अब war से क्या फर्क होता था। अब वॉर में भी इस चीज के बारे में बात होती थी कि फैक्ट्रीज आ रही हैं, लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो जैसे स्कार्व्स है वो आपकी बाद में खाकी से रिप्लेस हो गए, खाकी ओवरऑल्स और कैप से, तो उसमें भी क्या फर्क पड़ता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वुमेन टुक कटिंग देयर हेयर, अब हेयर कट कराना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि भाई अब बाल बढ़ाने में हमें दिक्कत हो रही है तो वो छोटे बाल भी रख सकती थी। By the 20th century, a plain and austere style came to reflect seriousness and professionalism. और ये इस तरह का style बन गया जो professionalism की चश्मा वश्मा लगा के इतने इतने बाल कट करके और ठीक है आप professional से लगते हो। New schools में अब इन dressing की और इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाने लगी। फिर आपकी जैसे स्पोर्ट्स में आ गए तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के तरीके के कपड़े पहनने पड़ते थे। तो इस तरह धीरे धीरे जो है, जब ये सारी चीजें हो गई तो लोगों को भी लगा कि हाँ ठीक है, इसमें चेंज होना चाहिए, और फिर इन चीजों में चेंज होने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलोनियल इंडिया, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ा है। अब जैसे हम इंडियन को क्या कहते हैं कि ये जो है इंडिजीनियस ट्रेडिशनल एंड कल्चर, ठीक है, और ये क्लोथ एंड क्लोदिंग अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल मूवमेंट की बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा है। अब जो इंडिया की जो बात करें हम, तो इसमें हम तीन डिफरेंट वेज में बात करते हैं। जैसे कि वन, मैनी स्पेशली मैन बिगेन इनकॉर्पोरेटिंग सम एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न क्लोदिंग इन देयर ड्रेस, जैसे वेल्दी जो पारसीज होते थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा वेस्टर्न वाला टच, जैसे कॉलरलेस कोट्स आ गए, उसके बाद बूट्स आ गए, आपकी जो वॉकिंग स्टिक आ गई, एंड दे मतलब कि ऐसे लगता था कि पूरा जेंटलमैन टाइप, यू नो जेंटलमैन टाइप, पूरा स्टिक विस्टिक के साथ जाओ और भाई दिखाओ कि हाँ हम कुछ हैं। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस चीज को बनाया जाने लगा, तो उन लोगों के लिए क्या बन गया, क्या बन गया उन लोगों के लिए, वेस्टर्न क्लोथ्स वर अ साइन ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस। और ये बात बड़ी दुख की भी मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों को भी क्या लगने लगा, अब लोगों को क्या लगने लगा, और आज भी जो हम लोग सोचते हैं, हमारी मानसिकता कैसी होती जा रही है कि जो ये वेस्टर्न कपड़े हैं यही मॉडर्निटी का साइन है।
ऐसा नहीं है, ये चॉइस हो सकती है, कंफर्टेबिलिटी हो सकती है, बट आपकी जो ड्रेस है वो कोई ड्रेस मॉडर्न का साइन नहीं होती है. मॉडर्न आपकी थिंकिंग होती है, दैट मेक यू मॉडर्न. सो कपड़ों से मॉडर्निटी ठीक है आने लगी थी, बट दिस इज अ बैड वे. आपकी जो मॉडर्निटी आती है वो आपकी थिंकिंग से आती है. उसके बाद वेस्टर्न स्टाइल क्लोदिंग वाज स्पेशली अट्रैक्टिव टू द ग्रुप्स ऑफ दलित कन्वर्टर्स टू क्रिश्चियनिटी. जो दलित जो कन्वर्टर थे वो क्रिश्चियन जो बदल रहे थे, अब उनको ये सब बहुत लिबरेट लगने लगा, फ्रीडम मिलने लगी. हेयर टू इट वॉज मैन रेदर देन वुमेन हु अफेक्टेड द न्यू ड्रेस स्टाइल्स. और ये औरतों से पहले आदमी कर रहे थे इस चीज को, मैन जो है इफेक्ट हो रहे थे. दूसरी बात, देयर वर अदर्स, दूसरे कौन, अब पहले लोग जिन्होंने अपना लिया. अब दूसरे क्या सोच रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर वुड लेस लेड टू द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटी, कि इससे हमारा कल्चरल जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी. उससे फिर क्या होगा, जैसे द कार्टून ऑफ बंगाली बाबू शोन हेयर मॉक्स हिम फॉर वेयरिंग वेस्टर्न स्टाइल बूट्स एंड हैट एंड कोट अलॉन्ग विद धोती. उन्होंने धोती के साथ ये जो टोपी है ये पहनी हुई है, बूट्स पहने हुए हैं, तो इन सब चीजों की मजाक बनाने जाने मजाक बनाई जाने लगी और बोला जाने लगा कि वेस्टर्न क्लोथ्स के चलते आप इस चीज को नहीं कर सकते हो, इस चीज को आप कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी हमारी. इस चीज के बारे में बात होने लगी. फिर तीसरा, सम मैन रिजॉल्व दिस डायलेमा बाय वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स विदाउट गिविंग अप देयर इंडियंस. अब तीसरे लोग क्या थे कि ठीक है वो वेस्टर्न भी पहन रहे हैं पर हम इंडियन को जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं. Many Bengali bureaucrats in the late 19th century began stocking western clothes for work outside the home and changed into more comfortable clothes at home. कि वो जब बाहर जाते थे तो कोट वोट में पूरा टाई अप होके जाते थे और जब घर आते थे तो कम्फर्टेबल इंडियन क्लोथ्स पहनते थे. तो इस तरह की चीजें फिर वहां पर होने लगी थी. Still others tried a slightly different solution to the same dilemma. They adapt to combine. और उन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, फ्यूजन बनाना शुरू कर दिया वेस्टर्न और इंडियन को मिला के. These changes in clothing, however, had a turbulent history. अब आ जाते हैं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज पर. अब कास्ट की अब जैसे अगर हम बात करेंगे कास्ट के बारे में तो कास्ट का भी एक अलग ही चीज होती थी वहां पर. जैसे कि अगर हम बात करें मेन 1822 की, तो वुमेन ऑफ शानार कास्ट वर अटैक्ड बाय नायर्स. क्यों शानार कास्ट की वुमेन जो है वो नायर से अटैक हुई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अपर बॉडीज पर कपड़े पहन लिए थे और उस टाइम पर उन लोगों के लिए अलाउड नहीं होता था. इन पब्लिक प्लेसेस इन साउदर्न प्रिंसली स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर फॉर वियरिंग अ क्लोथ अक्रॉस देयर अपर बॉडीज ओवर सबसिक्वेंट डिकेज अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट ओवर ड्रेस कोड. और फिर ड्रेस कोड पर बहुत कन्फ्लिक्ट रहा. उसके बाद शानार्स जो बाद में नादार्स बन गए. ये क्या थे? The term नादार came to be used for all शानार्स by the time of 1921 census. उसके बाद इनको नादार्स बोले जाने लगा. ये कंसिडर किए जाते थे सबऑर्डिनेट कास्ट में, सो वर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग. इनको अम्ब्रेला नहीं पहनने दिया जाता था, शूज पहनने नहीं दिया जाता था, कि ना तो आप छतरी लगाओगे, ना ही आप जूते पहनोगे और ना ही कोई गोल्डन ऑर्नामेंट पहनोगे. इनको सोने के आभूषण पहनने की भी मनाही थी. मैन एंड वुमेन वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो द लोकल कस्टम ऑफ नेवर कवरिंग देयर अपर बॉडीज बिफोर द डोमिनेंट कास्ट. और इनको बोला जाता था कि आप अपर जो कास्ट के लोग हैं इनके सामने अपनी अपर बॉडी को जो है कवर अप नहीं करोगे. फिर धीरे धीरे इन चीजों को बाद में ही जाकर छूटी. तो आप सोच सकते हो कि किस तरह की वहां पर अजीब सा जो कास्ट में चल रहा था वो क्या हाल उसका चल रहा था. फिर जैसे जैसे अब क्रिश्चियन मिशनरीज आए, कन्वर्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने ब्लाउज और ये क्लोथ्स जो है वो उनको देना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप पहनो कपड़े, ऊपर क्यों नहीं पहनोगे आप कपड़े. सो हिंदू रिफॉर्मर सच एज, अब हम आया वैकुंदर की बात करें, तो उन्होंने भी इस चीज में पार्टिसिपेट किया कि नहीं भाई ये पब्लिक प्लेसेस पर अगर इस चीज पर हो रहा है तो ये गलत बात है. तो इस तरह की फिर जब बातें हैं वो जाने लगी. तो एट फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रावणकोर इशू अ प्रोक्लेमेशन इन द 1829 ऑर्डर शानार वुमेन टू अब्सटेन इन फ्यूचर फ्रॉम कवरिंग देयर अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट शानार क्रिश्चियन वुमेन एंड इवन शानार हिंदूज फ्रॉम अडॉप्टिंग द ब्लाउज एंड अपर क्लोथ्स. की उन्होंने कहा कि ठीक है ये होगा, पर लेकिन जो शानार हिंदूज और ये थे इन लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई हम अब पहनेंगे. अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की अगर बात करें तो 1855 में हो गई थी, तो उससे भी क्या हुआ था कि धीरे धीरे वो लोग जो है अगर वो अपर बॉडीज में अपना कपड़े पहनते थे अटैक होता था, उनके घर छीन लिए जाते थे,
तो फिर क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि जो शानर वुमेन है, चाहे वो हिंदू है क्रिश्चियन है, वो जैकेट पहन सकती है, अपर बॉडी कवर कर सकती है इन एनी मैन वट एवर, बट नॉट लाइक द वुमेन ऑफ हाई कास्ट, कि वो किसी भी तरीके से अपने जो है अपर बॉडी को कवर कर सकती है पर हाई कास्ट की वुमेन की तरह नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो चीजें थी वो चल रही थी। अब हम बात करें ब्रिटिश रूल और ड्रेस कोड के बारे में, तो वहां पर सुन लीजिए, वहां पर क्या होता था, हेड वियर्स, टर्बन वियर्स की पगड़ी पहनते थे कुछ लोग, और वो लोग अपनी हेड पहनते थे, इस तरह की चीजें होती थी। पहले क्या होता था कि अगर इंडियंस के दरबार में वो आते थे तो जूते निकाल कर आते थे, फिर वही चीज उन्होंने सरकारी दफ्तरों में करनी शुरू कर दी कि कोई इंडियन सरकारी दफ्तर में जाएगा तो वो जूते उतार कर जाएगा, और जो जूते उतार कर नहीं जाता था उसको फिर वो लोग कहते थे कि इनको बाहर निकालो या उसका काम नहीं करने देते थे। तो इस तरह की चीजें वहां पर चल रही थी। एट द सेम टाइम्स इंडियन वर एक्सपेक्टेड टू वियर इंडियन क्लोथ्स टू ऑफिस एंड फॉलो इंडियन ड्रेस कोड्स। जैसे 1828 की बात करें तो एमहर्स्ट ने क्या इंडिया को कहा टू टेक ऑफ देयर शू एज अ रिस्पेक्ट व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हिम, बट दिस वॉज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, कि जूते निकाल के आओ मेरे सामने। फिर जब डलहौजी आया उसने शू रिस्पेक्ट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि अब तो निकालने ही पड़ेंगे। ओनली दोज हु वियर यूरोपियन क्लोथ्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल, कि अगर आप यूरोपियन क्लोथ पहन के जाओगे तो जूते नहीं निकालने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंडियन कपड़े पहन के जाओगे तो आपको जूते निकालने पड़ेंगे। उसके बाद इन सब चीजों में देखा जाने लगा कि भाई कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो इन सब चीजों से फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हुआ, और जो नहीं करते थे इस चीज को फॉलो उनको एंटर नहीं किया जाता था। देन फिर अब इन सब चीजों के बारे में बात होनी शुरू हुई, एंड इट टुक मेनी इयर्स बिफोर शू वर परमिटेड टू द कोर्ट रूम, और फिर उसके बाद बहुत साल लग गए कोर्ट रूम में इस चीज को करने के लिए, परमिट करने के लिए कि शूज लेकर आ सकते हैं। डिजाइनिंग द नेशनल ड्रेस, अब अगर हम बात करें नेशनल ड्रेसेस के बारे में तो वो कैसे फैला, कैसे उसमें मतलब जो है उस मूवमेंट का कैसे फैला हुआ, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि कोई बंगाल की टैगोर फैमिली बिगिनिंग इन 1870s विद डिजाइन ऑफ नेशनल ड्रेस फॉर मैन एंड वुमेन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि कंबाइंड, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग इंडियन एंड यूरोपियन ड्रेस, इंडियन नेशनल ड्रेस शुड कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ड्रेस, कि यूरोपियन और इंडियन को मत करो, हिंदू और मुस्लिम का दोनों को मिला के कुछ ड्रेस बनाई जाए। जैसे कि दस द चपकन अ लॉन्ग बटन कोट, लॉन्ग बटन कोट होता था, वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल ड्रेस फॉर मैन। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है कपड़े वो है बनाए जाने लगे अपने उसमें। उसके बाद जनादा नंदिनी देवी, वाइफ ऑफ सत्येंद्र नाथ टैगोर, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ICS, ये जो थे, रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता, she adopted the Parsi style of wearing the sari pinned to the left shoulder with a brooch. अब उन्होंने क्या शुरू करना शुरू कर दिया, सत्येंद्रनाथ की वाइफ जो वापस आई बॉम्बे से कलकत्ता, तो वो अपनी साड़ी पहनती थी और लेफ्ट साइड जो ब्रूच होता है, जो आपका पिन, जो मोटा वाला पिन होता है ना, वो होता है शायद, और उसको पिन अप करने लगी थी ब्लाउज के साथ। तो यहाँ से साड़ी विद ब्लाउज का जो है फैशन आया था। अब देख लिया आज किस तरह से ये चीजें ट्रेंड में है, बट कहाँ से शुरू हुई थी साड़ी पहनना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सदियों से जो है साड़ी का वो हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर ये। इसीलिए क्लोथिंग का इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पता तो चले कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रेंड। दिस वॉज क्विकली अडॉप्टेड बाई द ब्रह्म समाजी वुमेन एंड केम टू बी नोन एज ब्रह्मिका साड़ी, और फिर ये ब्रह्म समाज की औरतों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको ब्रह्मिका साड़ी के नाम से जाना गया। फिर इसमें महाराष्ट्रियन आ गए, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण आ गए, नॉन ब्राह्मण आ गए, फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से साड़ी को पहनना शुरू कर दिया अपने हिसाब से। However, these attempts at devising a pan-Indian style do not fully succeed. Women of Gujarat, Kodagu, Kerala, Assam continue to wear different type of साड़ी, तो उनका अलग स्टाइल होता था साड़ी पहनने का, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। स्वदेशी मूवमेंट में अपने ही मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो यूज करने हैं, तो उसमें अपना कॉटन का, इंडिगो का, इन सब चीजों से क्या है इंडिया का जो स्टेटस है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंज हो रहा था। उसके बाद ब्रिटिश जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन टू वेज, दो वेज में कैसे हेल्प कर रही थी कि अब वो जो है इंडिगो और चीप ये चीजें बनाते थे,
जो आपके इंडियन वीवर्स थे और वो स्पिनर्स थे, वो सब अपना जो है वो बिना काम के बैठ गए थे. तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था, उनकी जो डिमांड है वो फेल होती जा रही थी. उसके बाद धीरे धीरे फिर लोगों ने क्या किया, अब वहाँ के जो कपड़े थे वो पहनने छोड़ दिए. उन्होंने कहा कि हम इससे बना हुआ माल जो है नहीं पहनेंगे और हम अब खादी को अडॉप्ट कर देंगे, खादी को अडॉप्ट कर लेंगे. In 1905, Lord Curzon decided to partition Bengal to control the growing position to British rule. उसने बंगाल का विभाजन करने की बात करी. स्वदेशी मूवमेंट जो है वो डेवलप हो गया. पीपल ने जो है बॉयकॉट करना शुरू कर दिया हर तरीके की चीज़ों का. और यूज ऑफ खादी वॉज मेड अ पेट्रियोटिक ड्यूटी, कि जो खादी है वही हमारी देशभक्ति की निशानी बन गई थी. उसमें फिर आप किस तरह से क्या क्या पहनते थे, वुमेन जो है उन्होंने सारे सिल्क और ग्लास बैंगल्स और ये वियर करना शुरू कर दिया, सिंपल शेल बैंगल्स. और जो फिर आपका इस तरह से धीरे धीरे पोएम सॉन्ग्स गाई जाने लगी अपने देश की मूवमेंट के लिए, कि अब हम ब्रिटिश गुड को बायकॉट कर देंगे और अपने ही देश से बना सामान पहनेंगे, चाहे वो आपकी चूड़ियां हो, साड़ी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो. फिर लोगों ने इस चीज के ऊपर जो है रैली करना स्टार्ट कर दिया और अपना काफी सारे जो है कपड़े भारत से बने हुए यूज करने स्टार्ट कर दिए. महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें क्लोथिंग के साथ, महात्मा गांधी का काफी नाम आता है. तो ये इनकी आपको तस्वीर जो है हमेशा दिखते हैं, वो धोती पहने होते हैं, अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना है और वो चरखा चला रहे हैं. तो ये क्या था, वो खादी के यूज के लिए उन्होंने बनाया था कि खादी से बने हुए कपड़े पहनो, आत्मनिर्भर बनो और ये सब चीजें करो. महात्मा गांधीज एक्सपेरिमेंट विद क्लोदिंग सम ऑफ द चेंजिंग एटीट्यूड टू ड्रेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ बॉय फ्रॉम गुजराती बनिया फैमिली. अब वो किससे थे, गुजराती बनिया फैमिली के थे और उन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया, एक शर्ट विद अ धोती और पजामा एंड समटाइम्स अ कोट. व्हेन ही वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ एज अ बॉय ऑफ 19 इन 1888, ही कट ऑफ द टफ्ट ऑन हिज हेयर एंड ड्रेस इन अ वेस्टर्न सूट सो दैट ही वुड नॉट बी लव्ड एट. उन्होंने बिल्कुल वेस्टर्न सूट पहनना स्टार्ट कर दिया था अपना सब कुछ, कि ताकि उन पर लोग हंसे ना, वहां पर लोग उन पर हंसे ना. लेकिन फिर जब वो आए तो फिर उन्होंने अलग तरीके से थोड़ा पहनना शुरू किया. फिर जैसे जैसे अफ्रीका में गए तब भी उन्होंने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये पॉलिटिकल, जब वो पॉलिटिक्स में आने लगे, प्रॉपर पॉलिटिक्स ये नहीं कि किसी उसमें आ गए हैं किसी पार्टी में या कुछ, उन्होंने फिर जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट की, मास गैदरिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने फिर अपने आप को इस तरह से बना लिया जैसे वो दिखाई देते हैं लुंगी में, कुर्ता में, इस तरह से. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1915 ही डिसाइडेड टू ड्रेस लाइक अ काठियावाड़ी पीजेंट. ओनली इन 1921 ही अडॉप्ट द शॉर्ट धोती. 1921 में उन्होंने शॉर्ट धोती, द फॉर्म ऑफ ड्रेस ही वोर अंटिल हिज डेथ. तो उनके भी काफी सारे रूप जो है आपको मिलेंगे जो सामने आए उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, एंड उसके बाद फिर वो अपना उसी धोती में दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि जब वो लंदन में है, यहाँ पर आपको दिखेंगे जब वो वेस्टर्न ड्रेस में है जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करें तो, और ये जो बात करें तो एट द एज ऑफ 14 में है, और यहाँ पर वो साउथ अफ्रीका में है. इस तरह से सत्याग्रह के लिए उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है. और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका से आने के बाद की फोटो है उनकी, तो ये आपको काफी क्लियर आपको बुक में मिल जाएंगी. तो आई प्रपोज टू डिस्कार्ड एट लीस्ट अप ऑफ 31st अक्टूबर ऑफ माय टोपी एंड वेस्ट टू कंटेंट माय सेल्फ इन अ लॉयन क्लॉथ एंड अ चद्दर व्हेनेवर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माय बॉडी, की जो मुझे मेरी बॉडी के लिए ठीक है वही अब मैं करूँगा. तो ये सब चीजें उन्होंने कही और उसके बाद फिर इस तरह से वो रहते रहे, उन्होंने अपने आप को उसी तरह से ढालना शुरू कर दिया. फिर उनको एक सिंपलिसिटी के वे में देखा जाने लगा. ठीक है, तो उन्होंने ये जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई उसके बाद काफी इफेक्ट पड़ा इन सब चीजों का. और फिर उन्होंने अपना जो है शॉर्ट धोती ही पहनी विदाउट अ शर्ट जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए. ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज एंड वोर इट बिफोर द किंग जॉर्ज फिफ्थ एट बकिंघम पैलेस. वहां पर भी उन्होंने वही पहनी. व्हेन ही वाज आस्क्ड बाय जर्नलिस्ट वेदर he was wearing enough clothes to go before the king, he joked that the king had enough on for both of us. ki king ke paas hamare dono ke liye kafi hai. wahan ke jo king hote the wo pura baqaida kabhi ye pehna uske upar ye, to unhone fir mazak mein kaha tha ki king ke paas hum dono ke liye kafi hai, main itni mein theek hu. not all could wear khadi. ab khadi ka bhi kya tha ki jaise aap hum baat kare to har koi jo hai wo khadi nahi pehnta tha. kaise
Nationally, such as Motilal Nehru, a successful barrister from Allahabad, gave up his expensive Western-style suits and adopted the Indian dhoti and kurta, but these were not made of coarse cloth. Okay? And those who were deprived by caste norms for centuries were attracted to Western dress styles. तो वो जो है वो अपना वेस्टर्न स्टाइल्स दलित जो है वो वेस्टर्न स्टाइल पर ज्यादा जाते थे क्योंकि उन्हें वो वाली तो ड्रेसेस पहनने नहीं दी जाती थी. ट्रेडिशनल वेस्टर्न स्टाइल उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था. आपके जैसे बाबा साहब अम्बेडकर नेवर गेव अप द वेस्टर्न स्टाइल सूट, वो अपने वेस्टर्न स्टाइल सूट में ही आपको मिलेंगे. फिर अ वुमेन हु रोट टू महात्मा गांधी फ्रॉम महाराष्ट्र इन 1928 ईयर अगो, आई हर्ड यू स्पीकिंग ऑन द एक्सट्रीम नेसेसिटी टू अप एवरी वन ऑन वियरिंग खादी एंड देयर अपॉन डिसाइडेड टू अडॉप्ट इट, बट वी आर पुअर पीपल. माई हजबेंड सेज खादी इज कॉस्टली. बिलोंगिंग एज आई डू टू महाराष्ट्र, आई वियर अ सारी 9 yards लॉन्ग एंड द एल्डर्स वुड नॉट हियर ऑफ रिडक्शन टू 6 yards. कि अगर मैं बात करूं तो मुझे जो है, अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो मुझे 9 yards की साड़ी पहननी पड़ती है और अगर हम बात करें तो वो छोटी नहीं हो सकती है. मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खादी बहुत कॉस्टली है तो इसलिए वो कहते थे कि वी आर पुअर, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो खादी की एक ये भी समस्या थी. तो अब सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से कपड़े पहनती थी, साड़ी विद डिजाइंस. तो मतलब कि ये है कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं पहनते थे और कुछ लोगों ने उसे अपनाया था. बट खादी वॉज कॉस्टली तो इसलिए उसको ज़्यादातर जो पुअर लोग थे वो नहीं पहन पाते थे. अब कंक्लूजन क्या है इस पूरे चैप्टर का. Changes in styles of clothing are thus linked up with shifts in agriculture, in cultural tastes, notion of beauty which change with economy, social and political conflicts. So when we see clothing style alter, we need to ask why do these changes take place? What do they tell us about society and its history? What can they tell us about changes in taste and technology, market and industries? इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि क्या तो हिस्ट्री थी, क्यों ये चेंज आए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ खुद से आए, कुछ नेसेसिटी बन गई, कुछ इन्वेंशंस हो गए, कुछ अलग तरीके से कपड़े बन गए, कुछ रूल्स ब्रेक करने के लिए पहने गए. सो दिस वॉज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. जो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने पहनावे का जो इतिहास था उसके बारे में. और इस चैप्टर के साथ साथ आपकी 9th class की NCERT कंप्लीट होती है जो कि बहुत अच्छे से आपको लाइन टू लाइन समझाई गई है. तो दिस फिनिशेज योर क्लास 9th NCERT ऑफ हिस्ट्री. अब हम कल से 10th class की NCERT पर काम करेंगे और वही हम पढ़ेंगे. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 9th class की NCERT बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी और आप में भी एक समझ पैदा हुई होगी कि कैसे कैसे इतिहास में क्या क्या हो रहा था, चाहे वो फॉरेस्ट की बात करें या पीजेंट्स की बात करें या हम अपने गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें जिसमें हमने क्रिकेट को पढ़ा, उससे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें या रशियन रेवोल्यूशन की बात करें या नाजिज्म की बात करें. तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you and have a nice day.